शहर में आगामी 13 जनवरी से 15 जनवरी तक ऊंट महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए खास तरह के पोस्टर्स और ब्रोशर्स तैयार कर लिए गए हैं, जिनका विमोचन बीकानेर के डिविजनल कमिश्नर नीरज के पवन और बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने किया। आयोजित कार्यक्रम में बीकानेर के कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि पर्यटन रोजगार पैदा करने के साथ साथ ही इतिहास और संस्कृति दिखाने का भी माध्यम है। उनका कहना है कि बीकानेर में इस आयोजन के माध्यम से शहर के रंग दुनिया के समक्ष रखे जाने का प्रयास ऊंट उत्सव के माध्यम से किया जाएगा। तो वहीं नीरज के पवन ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए प्रचार की आवश्यकता है और प्रचार में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 13 जनवरी से 15 जनवरी तक बीकानेर में आयोजित होगा। इस संबंध में आज हमने उसके पोस्टर विमोचन किया है, उसका शेड्यूल जारी किया है, साथ ही जो हमारे प्रोफेशनल सॉन्ग्स हैं उनके वीडियो जारी किए हैं। और आज जो है होटल एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ में, मीडिया बंधुओं के साथ में और जो अलग एसोसिएशन हैं उनके साथ में बैठकर इस कार्यक्रम को जारी कर उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी से आग्रह किया है कि आप बीकानेर के इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का हिस्सा बनिए। इस बार का आयोजन पिछले वर्षों की तुलना में अत्यधिक भव्य होगा और आप अपने परिवार के साथ में यहाँ छुट्टी बिताने आते हैं।